क्या मेरी बीवी शादी के पहले कुंवारी थी? ये सवाल करके काफी लड़के लोग आते रहते हैं। इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा कि क्या उसकी सील टूटी कि नहीं टूटी, ये कैसा पहचानना। लोग इसके बारे में बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। कभी कभी तलाक देने का भी टाइम आ जाता है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। योनि जो है उसका जो बाहरी हिस्सा है उसके ऊपर एक पर्दा रहता है पतला सा, उसको बोलते हैं हाइमेन और उसको अपने कॉमन भाषा में सील बोलते हैं। अभी क्या है कि ये सील जो है, ये सील पहले रात में, मतलब जो शादी के बाद में फर्स्ट नाइट जब होती है तब वो टूटना चाहिए और वो टूटने के बाद में वहाँ से खून आना चाहिए, बेड पर खून के दाग निकलना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये लड़की जो थी वो कुंवारी थी और ये नहीं है तो वो कुंवारी नहीं है। इसने पहले ही संबंध बना के रखे थे और इसका पहला इंटरकोर्स हो चुका है, ऐसे काफ़ी लोगों में गलतफहमी है, मगर ये ठीक नहीं है, ये मानना ही ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है कि वो पहले था एक ज़माने में कि नहीं नहीं वो तो हाइमेन है, वो तो सील जो है वो टूटना नहीं चाहिए, सील टूटना पहले रात को ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्या होता है कि एक तो लड़कियाँ अभी हस्तमैथुन करती है तो हस्तमैथुन में वो सील टूट सकता है, मतलब शादी के पहले हस्तमैथुन में। आज ऐसी स्टडीज बोलती है कि भाई 50-60% लड़कियाँ हस्तमैथुन करती है तो नेचुरली सील टूट जाएगा। बाइसिकल पे बैठी है, स्कूटी पे बैठी है, मतलब कभी भी ऐसे पैर फकाने का कभी भी ऐसा कार्यक्रम हो गया कुछ भी कारण से तो वो सील टूट जाएगा, मतलब वो हाइमेन टूट जाएगा। और हाइमेन टूट गया तो नेचुरल है 50% लड़कियों का हाइमेन, ज़्यादा ही 50% लड़कियों का हाइमेन जिन्होंने मास्टिबेशन नहीं किया उनका भी टूटता है, मास्टिबेशन किया उनका तो टूटा ही टूटा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल नहीं होना चाहिए। शादी के बाद में पहले देखा जाता है कि बेड के ऊपर दाग थे क्या, खून के दाग थे क्या, हाइमेन टूटा क्या, सील टूटा क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सील टूटना या नहीं टूटना उसके ऊपर वो कुंवारी थी कि नहीं थी इसका कोई संबंध नहीं है। लोग बोलते नहीं नहीं पहले उसने इंटरकोर्स किया हो, पहले वो प्रेगनेंसी थी क्या, वो जानना है कि भाई वो प्रेग्नेंट पहले हुई है क्या, पहले उसके साथ उसके कोई लड़कों के साथ में संबंध आया है क्या, तभी उसमें जाने का नहीं है। मैं इसलिए बताता हूँ कि आज मेरे तरफ आने वाले 10 में से 8 लड़के लोग ऐसे रहते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे संबंध आए हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, या मैं वेश्या के पास में गया हूँ, या मतलब उसने कहीं ना कहीं कार्यक्रम किया हुआ है। अब लड़के 10 में से 8 है, लड़कियाँ तो हमारे पास में ज़्यादा आती नहीं है, लड़कियाँ एज ए पेशेंट लड़के आते रहते हैं। अब लड़के तो सेक्स करते ही है लड़कियों के साथ में, तो वो उनके पास में उनको गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब गर्लफ्रेंड भी, मतलब गर्ल्स भी बहुत सारी सेक्स करते रहती है, सिर्फ वो आती नहीं इसलिए रिपोर्ट नहीं है बराबर। तो फिर यदि ऐसा है तो इसका मतलब उसने शादी के पहले बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेक्स किया हो। और फिर ऐसे इसमें डिटेल में जाना नहीं है, अपना वैवाहिक जीवन सुखी करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का नहीं है। पहला पूछो मत पहले क्या किया क्या नहीं किया। क्या होता है कि फजूल शक आता है, फजूल कुछ किसने कुछ गलती से भी कह दिया तो उसके ऊपर शक आके फिर बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। इसलिए पहले का जो है शादी का पहले का पास में रखो, अब नई ज़िंदगी चालू करना है, प्यार करो, शक मत करो और अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं। तो पहले किया कि नहीं किया, पहले क्या होगा तो सील टूटा कि नहीं टूटा, अभी टूटा कि नहीं टूटा, ये फालतू बातें सामने आएंगी नहीं। सील टूटना या नहीं टूटना इसके ऊपर कुंवारापन डिपेंड नहीं है। जो भी हो गया वो पास में है, अतीत में है, अभी उसको भूल जाओ, अभी जो नया लाइफ है वो नया लाइफ चालू करो। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि लोग 10 में से 8, जब मैं बोलता हूँ ना 10 मतलब लिटरली ऐसा है, ऐसे बहुत ही कम लोग मुझे मिलते हैं, 10 में से 2 या 3 लोग होते होंगे तो बोलते नहीं अभी तक मैंने सेक्स किया ही नहीं, ऐसे नहीं है। 10 में से 8 लोग बोलते कि हमने सेक्स किया हुआ है, फिर उनके गर्लफ्रेंड होंगी या कॉलेज की गर्ल होंगी या रिलेशनशिप में होंगे या रिश्ते में कोई उनकी कजिन सिस्टर होंगी या बाजू वाली होंगी या कहीं भी कुछ ना कुछ तो लड़कियों का लड़कों का चालू रहता ही है। और अपवाद तो है ही, एक्सेप्शन है ही, मैंने ऐसा बोलता हूँ कि सभी है करके, एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। तो इसलिए सील टूटने के इसमें जाने का नहीं है और पहले सेक्स हुआ कि नहीं हुआ इसमें जाना नहीं है, अदरवाइज आपकी जो लाइफ है वैवाहिक जीवन वो सुखी होगा नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर नए शादीशुदा लोगों को ये शेयर करो या जिनकी शादी होने की उनको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना,
और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।